आपके मैं सुमित बावा लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो। जी हाँ, जिम की छत के ऊपर खड़े हुए आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने के लिए, और ये वीडियो होगा क्रॉसफिट। जो लोग अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा एजिलिटी लेके आना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने कॉन्सेंट्रेशन लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्रॉसफिट इज द बेस्ट एक्सरसाइज। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्रॉसफिट के बारे में। गाइस, हम बात कर रहे थे क्रॉसफिट की, तो आज हम जब क्रॉसफिट करेंगे तो मेरे साथ में मेरा एक फ्रेंड होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लिम है और लीन मसल गेन है उसका, और मैं रहूँगा मिड साइज बंदा, और मेरे साथ में रहेंगे मेरे कोच जो कि इधर वेलनेस जिम के अंदर कोर फिट और फंक्शनल ट्रेनिंग के कोच हैं। तो उनके साथ हम बात करेंगे और उसके बाद वो हमें करवाएंगे कि कौन सी पांच एक्सरसाइजेज हैं, पांच से छह एक्सरसाइजेज जो कि हम घर में भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे अगर आपको ये सब सामान नहीं मिलता है तो कैसे आप घर पे कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के और एक्सरसाइज के साथ साथ में बताऊँगा। तो मैं सबसे पहले मिलाना चाहूँगा आपको अपने फ्रेंड दीप से जो कि कैमरे के पीछे है इस वक्त, और मैं उन्हें फटाफट से पुल करके बुलाता हूँ आगे, जल्दी आओ। सो ये है दीप, मेरे साथ जिम में है और काफ़ी टाइम से हम लोग पिछले वाले जिम से भी साथ में एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं, तो ये मुझे हेल्प कराएंगे क्योंकि मेरी अभी उस लेवल पे ट्रेनिंग नहीं जा चुकी है कि मैं ये पांच छह एक्सरसाइज जो राम मुझे करवाने वाले हैं वो पूरी की पूरी अकेला कर सकूं। तो मैंने दीप से हेल्प मांगी है, वो हमें एक या दो एक्सरसाइज में हेल्प करेंगे कैसे करना है और क्या करना है वो आपको करके बताएंगे। तो दीप एक बहुत ही जैसे कहते हैं फ्लेक्सिबल, एजाइल और लीन मसल मास, आप देखिए नसें वसें सब निकल रही हैं इनकी, मस्कुलैरिटी एंड मस्कुलैरिटी सब कुछ ऑन पॉइंट है। और ये है हमारे कोच वेलनेस जिम के अंदर राम, ये यहाँ पे फंक्शनल ट्रेनिंग कराते हैं, कोर फिट हो गया, फंक्शनल ट्रेनिंग, क्रॉस फिट, एंड्योरेंस की एक्सरसाइजेस, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की एक्सरसाइजेस। तो अगर बच्चे भी जिम में आना चाहते हैं टू डू दी क्रॉस फिट तो वो भी आ सकते हैं क्योंकि इनके पास बच्चों से रिलेटेड भी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज है जिसमें कि बच्चे कैसे अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल, कैसे अपना जो कहते हैं बॉडी की एजिलिटी वगैरह को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उनको जो एक्सरसाइज से होने वाले, जैसे कहते हैं ना कि हम बच्चों को वेट नहीं उठाना चाहिए, बट ये सब एक्सरसाइज उन्हें करनी चाहिए वो भी यहाँ पे कराते हैं। चलो राम, फिर फटाफट से शुरू करते हैं कि क्या कराने वाले हो हम दोनों की, आज कैसे बैंड बजाने वाले हो हम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज लाया हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज भी है, मतलब आज हमारी टोटली वाट लगने वाली है। तो फटाफट से चलते हैं नीचे क्रॉसफिट एरिया में और उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि क्या बेस्ट सर्किट हमारे जो कोच हैं उन्होंने आप लोगों के लिए चूज करके रखे हैं, वो सर्किट मैं मारूंगा और उसके बाद मैं अपना फीडबैक दूंगा कि कितनी कैलोरीज बर्न हो रही हैं और क्या हालत हो रही है, कितने एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और शायद उसके बाद अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका भी एक बहुत अच्छी फिजिक अचीव करने का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो दिस वॉज दी फर्स्ट एक्सरसाइज, इसके अंदर वार्म अप के लिए थी, इसके अंदर आपने दोनों साइड के ऊपर आपने कोन्स रख दिए हैं ऑलमोस्ट 10 to 12 feet की दूरी पे। इसको दूरी को धीरे धीरे आप इंक्रीज कर सकते हैं जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे। हर बार आपको एक आइटम उठा के लेके आनी है, कोन लेके आना है, और आपको 1 to 5 पुशअप्स लगाने हैं। जितने भी आइटम्स आप रखेंगे उतने ही आपके पुशअप्स और आपकी एजिलिटी इंक्रीज होगी। इसको आप घर में ईजिली ग्लासेस के साथ कर सकते हैं और 10 टू 15 फीट का डिस्टेंस आपको किसी भी ड्राइंग रूम के अंदर आराम से मिल जाता है। दिस विल गिव यू अ गुड वार्म अप सेशन, और उसके बाद आपका कोर, आपकी लेग्स, आपके अपर बॉडी, आपके ट्राइसेप, शोल्डर सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। पुशअप्स के दौरान काफ़ी अच्छा बैलेंस भी इंक्रीज होगा आपका। एक्सरसाइज नंबर 2, इसमें दीप जो है वो बेंच के अल्टरनेट साइड पे जंप करके बर्पीज लगा रहे हैं। इसमें आप 1 पुशअप से लेकर 5 पुशअप्स एट अ टाइम लगा सकते हैं। मेरा मानना है कि स्टार्ट कीजिए 1 से और उसके बाद धीरे धीरे इसको इंक्रीज करके 5 तक लेके जाइए। घर में अगर बेंच नहीं मिलता है तो नॉर्मल बर्पीज भी लगा सकते हैं। नाउ दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 3 व्हिच विल एक्चुअली टेस्ट योर स्टैमिना। इसके अंदर आप 5 टू 10 पुशअप्स लगाएंगे, उसके बाद 30 टू 1 मिनट जितना भी आप होल्ड कर सकते हैं प्लैंक्स को होल्ड करेंगे। प्लैंक्स को होल्ड करने के बाद में आप ऊपर आएंगे और उसके बाद अल्टरनेट शोल्डर टच करेंगे पुशअप के फॉर्म के अंदर। दिस एक्सरसाइज हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर बैलेंस, इट विल बर्न अ लॉट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू योर अपर बॉडी लाइक चेस्ट, शोल्डर एंड योर बैक मसल्स, ट्राइसेप मसल्स,
और फैट लॉस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ये एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिए, इसके अंदर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वेट लॉस और ओवरऑल बॉडी का पॉस्चर और बॉडी की परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। एक्सरसाइज के अंदर यहाँ पे दीप जो है वो टायर के अंदर और बाहर कूद रहे हैं। इस अगर आपके घर में टायर नहीं है तो आप एक छोटा बेंच रख के उसके भी ऑल्टरनेट साइड्स पे जंप कर सकते हैं। अनदर एंटरटेनिंग एंड वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर किड्स एज वेल, घर में उनको भी करवा सकते हैं, वो भी बहुत खुश होंगे इसको करने से। ये एक्सरसाइज आप इजीली घर में कर सकते हैं, कोई भी कलरफुल आइटम रख सकते हैं, बच्चों के टॉयस रख सकते हैं, बच्चों के साथ भी करी जा सकती है। दिस एक्सरसाइज एक्चुअली बर्न्स अ लॉट ऑफ कैलोरीज। इसमें आप कॉल आउट करेंगे कि कौन सी चीज़ को टच करना है एंड द पर्सन हैज़ टू टच दैट पर्सन थिंग इन दैट राउंड सर्कल। और कोई आइटम अगर ऐसी होती है जिसके नाम नहीं है तो उस पर जंप करना, जैसे कि यहाँ पर जंप किया था। दिस विल इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन लेवल, एजिलिटी लेवल एंड बर्न्स अ लॉट ऑफ कैलोरीज। तो दिस इज अनदर गुड एक्सरसाइज। देखा आप लोगों ने कि फंक्शनल ट्रेनिंग करने के बाद में कितनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। आप मेरे से अगर पूछें तो मेरी इस वक्त मुझे लग रहा है कि जितना भी स्टोरेज ऑफ कैलोरीज थी, जितनी भी स्टोरेज ऑफ एनर्जी थी, एटीपी था, सब कुछ एग्जॉस्ट हो चुका है बुरी तरह से। और मैं देख सकता हूँ कि दीप जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है उसकी भी हाल इस वक्त बेहाल है। तो ये सब एक्सरसाइज आप घर में भी कर सकते हैं, मैंने आपके लिए टेक्स्ट डाल दिया है, वॉइस ओवर डाल दिया है, तो आप घर में ट्राई कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आप पहले स्टेप पे तो पहुँच ही गए हैं फिटनेस के लिए, और आगे तक चलने के लिए इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकॉन प्रेस की करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। स्टे फिट एंड स्टे ब्लेस्ड।